अल हिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 3 सितंबर और 14 अक्टूबर के लिए दो पैकेज तैयार किए गए हैं। अल हिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा शहर का एक मशहूर और मारूफ ट्रैवल्स है, जिसके जरिए हर महीना उमरा ग्रुप रवाना हो रहे हैं और कल यानी 15 अगस्त को कुल 41 आजमीन उमरा का ग्रुप हैदराबाद एयरपोर्ट से रवाना हुआ है और आज 16 अगस्त की सुबह सभी को उमरा की शहादत हासिल हुई है। अल हिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर मौला अली पिछले कई सालों से लगातार हज उमरा सर्विस देते आ रहे हैं और हर महीना इनके जरिए उमरा ग्रुप रवाना होते हैं। इस बार इनके जरिए उमरा रवाना हुए लोगों ने अपने अच्छे तासुरात पेश कर कहा, ये पहले सिर्फ अल हिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स का नाम सुनते आ रहे थे पर इनकी सर्विस देकर इन्हें बड़ी मसरत हो रही है। मौला अली साहब आजमीन उमरा को तमाम जरूरी अहकाम सिखाते हुए होटल्स, फूड, लॉन्ड्री की सर्विस देने के अलावा लोकल ज़ियारतें करवाकर वापस आने तक की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। तमाम ज़ाहिरीन अल हिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स की सर्विस से बहुत खुश हैं और आप सभी से उमरा के लिए अल हिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स से राब्ता करने की सलाह दी है और मौला अली साहब ने बताया इनके जरिए हर महीना उमरा ग्रुप रवाना हो रहे हैं। 15 अगस्त को यह काफिला रवाना हुआ है और अब अगला ग्रुप 3 सितंबर और 14 अक्टूबर को रवाना होने के लिए तैयार है। 3 सितंबर को रवाना होने वाले पैकेज में आप ईद मिलाद के मौके पर मदीना में रहेंगे। अगर आप भी उमरा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर अल हिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स से राब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल हिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स का काफिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मक्का के लिए जा रहा है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है गांव की कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप जो है ना मक्का मुकर्रमा जा रहा है और मैं खुद भी जा रहा हूँ अल्लाह के फजल से। अल हिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहा है अल्लाह के फजल व करम से, हर वक्त 24/7 हाजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत गुजार तैयार है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अल हिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से आप उमरा और हज करिए, इंशाअल्लाह बेहतरीन खिदमत मिलेंगी। जरूरी एक ऐलान यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है आज बतारीख 15 अगस्त 2024 को अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिला जा रहा है। अभी आइंदा जो काफिला है 3 सितंबर का काफिला है और लिमिटेड सीट बचे हुए हैं। आप लोगों से गुजारिश है हमसे राबता करें और हमारे पास बुकिंग ले, उसके बाद 14 अक्टूबर का जो वाला पैकेज है आप तमाम से गुजारिश है हमारे पास एक मरतबा आप आकर देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मरतबा 80 लोगों का काफिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो है ना बेहतरीन जो है ना खिदमत के साथ वापस आ गया हमारा घर भी। 40 लोगों का काफिला अल्हम्दुलिल्लाह भी जा रहा है अल्लाह के फजल व करम से। हमारी होटल नजदीक, मदीने में होटल नजदीक, मक्का की होटल नजदीक, खाना बेहतरीन जो है ना हमारे गुलबर्गा का टाइप का खाना, तमाम चीजें जो है ना इंशाल्लाह हम आपको जो है ना मुहैया करेंगे। आप हमारे साथ तशरीफ लाइए। अल्लाह सर्विस तो बहुत अच्छी है सर, जो हम सोचे थे उससे ज्यादा देखने को मिला मौला भाई के साथ, जजाया खैर दे माशाल्लाह। जितने साथ में उनके काम करने वाले हैं इनको भी सेहत दे और उनकी भी काम करने की हिम्मत दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर माशाल्लाह हम सुने थे उससे ज्यादा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मौला भाई के साथ दूसरी बार है माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम भी बहुत अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह जितना सोचे थे उसने मिल गया हमें सहूलत, अच्छी सहूलत मिली। पिछले रमजान में भी आया था मौला भाई के पास, इस मरतबा भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होते 8 दिन में हमारे 4 बहनों के साथ आया हूँ मैं, और ये मेरा दादू जो है भाजदादू है शिफान, और उधर अब्दुल अजीज मेरे भूनी है, और मेरे 4 बहने भी आए हैं उनके साथ मैं आया हूँ सफर में। मौला भाई के टूर से आना है और मौला भाई को छोड़ना नहीं है। अल्लाह जज़ाक खैर, माशाल्लाह जितना सुने थे उतना ज्यादा देखने को आया मौला भाई। अच्छे मौला भाई की वजह से हम लोग ये कुछ नसीब जगह पे ठहरे हुए जिसकी वजह से हम उमरा नसीब हो गया, अल्लाह खैर करे आगे हो। आमीन आमीन, जज़ाक अल्लाह खैर। अल हिदाया टूर ट्रैवल्स की जानिब से मैं आपको कुछ जरूरी इत्तला देना चाहूंगा कि ये ट्रैवल्स बहुत ही बेहतरीन ट्रैवल्स है, मैंने कई मरतबा इससे सफर किया है, तकरीबन 8 या 9 मरतबा मैं सफर किया हूँ। बार बार इससे जाने का मकसद यह है कि बहुत ही मुखलिस है हमारे मौला भाई और अपने ज़ायरीन उमरा का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, बहुत करीब जो है ना बिल्डिंग्स लेते हैं, किसी को भी कोई ज़रीबी परेशानी उन्हें नहीं देते। यहाँ तक कि जब अज़ा होती है, अज़ा ख़त्म होने से पहले हम लोग वो हरम में दाखिल हो सकते हैं, इतना करीब जो है ना बिल्डिंग लेते हैं, मदीने में मक्के में बिल्कुल भी करीब लेते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है जो लोग जाना चाहते हैं उमरा को, वो लोग जो है ना एक मरतबा जो है ना हमारे मौला भाई के थ्रू जाके देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम।